साथियों, हम आपकी सुविधा के लिए ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है जो आपको मोबाइल नंबर देता हो बात करने के लिए आपकी सुविधा के लिए, लेकिन मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप और एक मोबाइल नंबर आपको मैं देता हूँ किसी भी प्रकार की समस्या के लिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और फ्रेश वीडियो में। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आपको खाद्य सुरक्षा से संबंधित एक और बड़ी अपडेट सामने आई है, उसको आपके सामने साझा करने वाले हैं। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, हमारे सामने एक जो है खबर है वो सामने आ रही है, क्या खाद्य सुरक्षा के नए नाम जुड़ना स्टार्ट हो गए? तो साथियों, बिल्कुल खाद्य सुरक्षा के नए नाम जुड़ रहे हैं। अब वो किन किन लोगों के नए नाम जुड़ रहे हैं और किस प्रकार से जुड़ रहे हैं आपको आगे बताएंगे। वो साथियों, पोर्टल से संबंधित भी खबर है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं पोर्टल खुल गया, तो उससे संबंधित भी हम बात करने वाले हैं। क्या पोर्टल खुल गया और रियल में खुल गया, या इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, या फिर साथियों इसके जो पुराने फॉर्म हैं उनको ही अपलोड किया जाएगा, या फिर नए फॉर्म भी भराक में आए हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और साथियों, बात करने वाले सबसे बड़ी जो अपडेट है कि जो नए नाम जोड़ने से संबंधित, खाद्य सुरक्षा में नए नाम जोड़ने से काफ़ी लोगों के नए नाम जुड़ रहे हैं। अब वो किस प्रकार से नए नाम जुड़ रहे हैं? साथियों, काफ़ी लोगों के जो नए नाम है वो खाद्य सुरक्षा में ऐड हो रहे हैं। अब वो किस प्रकार से नए नाम ऐड हो रहे हैं आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथियों, पहले तो हम उनको बता देते, काफ़ी लोग ऐसे बोल रहे हैं कि जन आधार कार्ड में अगर किसी का नाम नहीं है तो आप उनका नाम जुड़वा लो और आपका नाम उसके बाद में फिर खाद्य सुरक्षा में ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है साथियों, ऐसा हमने कोई कैंडिडेट भी नहीं देखा। साथियों, ऐसे कैंडिडेट ज़रूर देखने को मिल रहे हैं। आपने खाद्य सुरक्षा में 2022 में अप्लाई किया था खाद्य सुरक्षा के लिए, तो उनमें से कैसे 5 कैंडिडेट थे, 4 कैंडिडेट थे, किसी भी राशन कार्ड में, किसी के राशन कार्ड में 5 कैंडिडेट थे, किसी के में 6 थे, किसी के में 8 थे। तो उनमें से हुआ क्या था, किसी का एक का नाम अप्रूव हुआ था, किसी का 2 का नाम अप्रूव हुआ था। तो उनमें से क्या है, इस प्रकार से राशन मिल रहा था साथियों किसी कैंडिडेट को, तो 5 कैंडिडेट में से सिर्फ 2 का ही मिल रहा था, किसी में 4 कैंडिडेट में से सिर्फ 2 का मिल रहा, किसी में से 5 कैंडिडेट में सिर्फ 1 का ही मिल रहा। ऐसे राशन कार्ड देखने को काफ़ी सारे मिले। और ऐसा भी हुआ है कि 5 कैंडिडेट है, उनमें से एक बच्चा है, उसको मुखिया बना के उसके नाम से राशन कार्ड जनरेट कर दिया है, जबकि उसमें 4 सदस्य ऑलरेडी है, उनका कोई विवरण नहीं है, है ना। इस प्रकार से भी हुआ। तो साथियों, जो नाम जुड़ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो नाम किन के जुड़ रहे हैं। वो नाम सिर्फ उन लोगों के जुड़ रहे हैं जो 2022 में नए फॉर्म भरते खाद्य सुरक्षा के नए फॉर्म भरे थे, और उनमें से किसी भी कारण से उनका नाम रह गया था। जैसे कि मैंने पहले बताया, जैसे 5 कैंडिडेट थे, 5 में से 3 का राशन मिल रहा है, तो 2 कैंडिडेट रह गए, तो उन 2 कैंडिडेट को ऑटोमेटिक वो जनरेट कर रहे हैं DS ऑफिस वाले, तो वो ऑटोमेटिक कैंडिडेट जुड़ रहे हैं। इस प्रकार के मैंने काफ़ी सारे केस देखने को मिले। मेरे पास फिजिकल रूप से फ़ोन भी आए हैं और मेरे पास इसके संबंधित कमेंट्स भी काफ़ी सारे हैं, और मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया भी था, कमेंट्स जो कमेंट सेक्शन था उन लोगों का, जिन लोगों ने मेरे को कमेंट्स किया था कि सर हमारा पहले 2 का मिल रहा था, अब 4 का मिल रहा है राशन, और पहले 1 कैंडिडेट का मिल रहा था, सर 5 कैंडिडेट। ये प्रक्रिया है जो अभी मार्च और फरवरी में देखने को मिली। और साथियों, हम आपको एक चीज़ ये बताते, ये जो प्रक्रिया हो रही है वो नए राशन कार्डों के साथ में हो रही है। नए राशन कार्ड जिन्होंने 2022 में अप्लाई किया था उन राशन कार्ड धारकों के साथ में हो रही है, मतलब जो भी नाम जुड़ रहे हैं ऑटोमेटिक वो उन्हीं के जुड़ रहे हैं, या फिर आपका पहले से नाम है उन कैंडिडेटों के साथ में ऐसा नहीं हो रहा। मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा, अगर आपने देखा हो तो आप मेरे को ज़रूर बताना, है ना। ये सिर्फ उन लोगों के साथ में हो रहा है जिनके राशन कार्ड 2022 में आपने अप्लाई किया था और उनका राशन कार्ड अप्रूव हो गया था, और किसी कारण से उनका 1 कैंडिडेट का या 2 कैंडिडेट का नाम छूट गया था, उन्हीं कैंडिडेट का दोबारा से नाम अप्रूव हो रहा है, और बिन ऑटोमेटिक अप्रूव हो रहा है, ऑटोमेटिक नाम बढ़ रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे केस देखने को मिला, लेकिन ऐसा कोई केस नहीं देखा मैंने कि पुराना राशन कार्ड है जिसे 2022 में फॉर्म भरा है, तो उससे भी पहले पुराना राशन कार्ड है और खाद्य सुरक्षा में जुड़ा है, या किसी का जन आधार कार्ड में नया नाम जुड़वाया है तो वो ऑटोमेटिक जनरेटर, ऐसा केस मैंने नहीं देखा है। अगर आपने देखा है तो आप मेरे को ज़रूर बताना। साथियों, ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है जो किसी भी समस्या की बात करने के लिए आपसे कॉन्टैक्ट कर सके, आपको मोबाइल नंबर दे सके। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है और मोबाइल नंबर दे रखा है, और साथियों मैं आपकी
हर समस्या का समाधान जितना मेरे से होता है मैं करता हूँ, बात भी करता हूँ, ऐसी नहीं है। वैसा कोई यूट्यूबर नहीं है जो आपको पर्सनल डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर देता हो और आपसे बात करता हो, ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं, मैंने देखा नहीं, मैंने भी सर्च किया, मैंने देखा नहीं। लेकिन मैं आपसे किसी भी कैंडिडेट से मैं बात करता हूँ, बिल्कुल बात करता हूँ, और साथियों उनकी समस्या का जो मेरे से होता है निवारण भी करता हूँ। ऐसे भी कैसे जो मैंने पिछले बार साथियों जो 2022 में जब खाद्य सुरक्षा के फॉर्म अप्रूव हुए थे तो काफ़ी लोगों के तो मैंने खुद ने राशन कार्ड निकाल के, नए वाले राशन कार्ड निकाल के मैंने खुद से दिए थे उनसे, और किसी से कोई पेमेंट नहीं लिया मैंने। मैंने साथियों जब खाद्य सुरक्षा का पोर्टल चालू हुआ था, फॉर्म अप्रूव होने लगे थे ना, उस टाइम पे काफ़ी लोगों के जो राशन कार्ड है उनसे बात करके, उनसे व्हाट्सएप पे बात करके उनके जो राशन कार्ड है, नए वाला राशन कार्ड, वो साथियों खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो भी अपडेट होती है वो हम आपके सामने बिल्कुल लाते हैं। और उसमें अगर आपका कोई भी समस्या होती है तो उनसे संबंधित आपको हमने नंबर दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, तो उन व्हाट्सअप ग्रुप दे रखा है, तो वहाँ से आप नंबर लेके हमसे बात भी कर सकते हैं, और हम कोई भी कैंडिडेट हो बिल्कुल उससे बातचीत करते हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं फ़ोन नहीं उठाते हैं, ये हम बात करते हैं टाइम मिलता है उस हिसाब से। और साथियों इस टाइम पे हम बहुत डिमोटिवेट हो रहे हैं क्योंकि हमारा चैनल डाउन जा रहा है, हमारे चैनल पे कोई व्यूज़ नहीं आ रहा, इनकम भी नहीं हो रही, इसलिए हम बहुत डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो साथियों आपसे अनुरोध है आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर आ सके, क्योंकि हमारा चैनल बहुत डाउन जा चुका है, क्योंकि इसलिए जा चुका है साथियों क्योंकि हम खाद्य सुरक्षा से कोई अपडेट नहीं होती है तो हम वीडियो नहीं लाते हैं, अब वीडियो नहीं लाते हैं तो फिर चैनल थोड़ा डाउन जाता है। और काफ़ी लोग क्या करते हैं साथियों, अपडेट हो या नहीं हो वीडियो तुरंत डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, चाहे अपडेट हो या नहीं हो तुरंत वीडियो डाल देते हैं, उससे क्या होता है साथियों जो व्यूवर है उनका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है, तो हम हमारे किसी भी व्यूवर का टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। तो साथियों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करके, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।